एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू चैनल दिस इज योर ममता। सो यार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे एंड को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। गाइस, जैसा कि आप सबने टाइटल पढ़ ही लिया है कि आज की पूरी वीडियो किस पर रहने वाली है, आज की पूरी वीडियो फिर से एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है बिटवीन टू हेयर ऑयल्स, जो कि काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं हर सीजन में एंड स्पेशली विंटर्स में तो बहुत ही ज्यादा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इन वीडियो। लेकिन वीडियो में वॉर्न करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, द रेड बटन बिलो। आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरे चैनल को एक मेंबरशिप लेके। सो गाइस, आज जो दो हेयर ऑयल का हम कंपेयर करने वाले हैं वो है ये। फर्स्ट वन इज डाबर आमला हेयर ऑयल एज यू गाइस कैन सी, एंड सेकेंड वन इज प्योर कैस्टर ऑयल एज यू गाइस कैन सी। तो हम इन्हीं का कंपेयर करने वाले हैं। तो पहले अगर इसकी बात करें तो इसकी जो पैकेजिंग है ये है आमला ऑयल, जो कि आपको विंटर्स के सीजन में तो बहुत इजीली मिल जाएगा। लाइक इसका फायदा इस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। पैकेजिंग की बात करते हैं तो एक प्लास्टिक पैकेजिंग में मिल जाता है विद ट्रांसपेरेंट सी बॉटल लाइन, आप देख सकते हो किसके सिर्फ स्टिकर्स लगे हुए। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस इसकी 20 rupees फॉर द क्वांटिटी ऑफ 68 ml, मतलब आप कह सकते हो प्रोडक्ट सुपर अफोर्डेबल है। शेल्फ लाइफ की बात करें तो शेल्फ लाइफ है 3 years फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये मेक श्योर करता है कि ये आपको हेयर को स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एंड थिक बनाने में हेल्प करता है, ऐसा इनका क्लेम है। ठीक है, काफी ज्यादा टाइट पैकेजिंग है तो आप कह सकते हो प्रोडक्ट ट्रैवल फ्रेंडली है फॉर श्योर। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है मिनरल ऑयल, आमला एक्सट्रैक्ट एंड एंटीऑक्सीडेंट एंड सुगंधित द्रव्य। तो मिनरल ऑयल होने के कारण मैं इसे यहाँ पे ही स्टॉप करना चाहती हूँ इसका जो रिव्यू है, लेकिन बहुत लोग इसे यूज करते हैं। बट मिनरल ऑयल होने के कारण ये आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपके पोर्स को ही क्लॉक कर देगा तो फायदा नहीं है। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं इसे ओपन। तो ओपन करने के बाद आपको आपका लाइटिश ग्रीन कलर का ऑयल मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा फ्लोई है। अगर एब्जॉर्बेंस की बात करें तो ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपके हेयर के अंदर, बिल्कुल समय नहीं लगाता। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगती है। लाइक आई तो डोंट लाइक इसका फ्रेग्रेंस, बाकी को पसंद आएगा तो आई डोंट नो, बट मुझे इसका फ्रेग्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं आता। ठीक है गाइस, आमला ऑयल हम सब जानते हैं कि कितना ज्यादा अमेजिंग होता है हमारे हेयर के लिए, क्योंकि हमारे थिक हेयर लॉन्ग शाइनी करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है, एट द सेम टाइम ब्लैक करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। डैंड्रफ को भी रिड्यूस करता है एंड आपके हेयर को स्मूथ, शाइनी एंड लस्ट्रस बनाने में एंड फ्रिज फ्री बनाने में हेल्प करता है। मैंने भी आमला ऑयल इसी रीजन से ये लिया था कि ये आपके मेक श्योर करते हैं कि आपके हेयर को लॉन्ग करे, तो मैंने भी इसे यूज किया है। बाइज, जब मैंने इसका देखा कि जब इसमें मिनरल ऑयल है तो मैंने इसको स्किप कर दिया, तो मैंने इसको यूज करना ही छोड़ दिया। गाइज, मिनरल ऑयल कैसा है कैसा नहीं इसका मैंने एक रिव्यू करके रखा हुआ है चैनल पे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मिनरल ऑयल अच्छा है या नहीं। तो यहाँ पे इसका रिव्यू खत्म होता है। अगर बात करें कैस्टर ऑयल की तो ये आपको नॉर्मल सी प्लास्टिक पैकेजिंग में मिल जाता है, इसके भी स्टिकर्स ही लगे हुए हैं, ट्रैवल फ्रेंडली है फॉर श्योर, की जो पैकेजिंग है वो काफी ज्यादा टाइट है। प्राइस की बात करें तो प्राइस है इसकी 85 rupees फॉर द क्वांटिटी ऑफ 100 ml, मतलब आप कह सकते हो प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, क्योंकि आपको हमेशा ही डिस्काउंट में मिल जाता है। ये कैस्टर ऑयल कैस्टर बीन से बनाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा थिक होता है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी ज्यादा थिक होती है। ठीक है, शेल्फ लाइफ की बात करें तो शेल्फ लाइफ 3 years फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 3 साल तक इस प्रोडक्ट का आराम से यूज कर सकते हो। अब करते हैं इसे ओपन। ओपन करने के बाद आपको लाइटिश येलो आप कह सकते हो कलर का ऑयल मिल जाता है, जो कि फ्लोई है। बट जब आप इसको अपने बालों में, हेयर में करोगे तो ये बहुत ज्यादा थिक है, लाइक एब्जॉर्ब ही नहीं होता है आपके हेयर के अंदर। अगर बात करें तो कैस्टर ऑयल को हमेशा किसी कैरियर ऑयल के साथ प्रेफर किया जाता है कि इसके साथ यूज कीजिए तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, बट ये मेरे हेयर को बिल्कुल भी सूट नहीं किया। रीजन, मेरा जो हेयर पोरोसिटी है वो लो की तरफ जाता है। अब लो पोरोसिटी का जो हेयर है उसमें चीजें एब्जॉर्ब ही नहीं होती है, तो ये वाला मेरे लिए वर्क नहीं किया है। फिर भी बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि आप कैस्टर ऑयल वर्सेस कोकोनट ऑयल को आप ट्राई करके देखिए, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आपकी हेयर पोरोसिटी मीडियम टू लो की तरफ जाती है तो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगा, बट अगर लो की तरफ जाती है तो ये दोनों ही हेयर ऑयल आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। तो या अगर मैं बात करूँ कि दोनों में से मैं कौन सा प्रेफर करूंगी, अगर बाय एनी चांस किया तो मैं कैस्टर ऑयल प्रेफर करूंगी, आमला ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं। सो आज की वीडियो बस ये तक थी। दोनों को बाय करना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत इजीली मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ, टिल बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।